कौन कौन से आई ओ टी प्लेटफॉर्म हैं मार्केट में इस टाइम जी ई सिसको आई बी एम पी टी सी ये कुछ प्लेटफॉर्म्स uh, अवेलेबल हैं जिसके ऊपर uh, हम आई ओ टी वर्क कर सकते हैं और जी ई की जब बात करते हैं तो इट यूज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पी ए एस मॉडल एंड इज ए क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड बेस्ड है ये बिल्ड ऑन क्लाउड फाउंड्री एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स है एंड इट इज ऑप्टीमाइज फॉर द सिक्योर कनेक्टिविटी एंड द अनालिटिक्स एट द स्केल बोथ इन द क्लाउड एंड ऑन द एज सिस्को आई ओ टी क्लाउड की बात करेंगे तो डिजाइंड अराउंड दिक्कस पिलर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सिक्स पिलर्स के ऊपर बेस्ड है कौन कौन से सिक्स पिलर्स हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉग कंप्यूटिंग डेटा एनालिसिस सिक्योरिटी मैनेजमेंट और और ऑटोमेशन एंड एप्लीकेशन एनेबल्ड और क्लाउड एड्रेस चैलेंजेस अक्रॉस द वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज ऑयल एंड गैस यहाँ इन जगह पर ये यूज होता है नेक्स्ट है आई बी एम क्लाउड फाउंड्री डॉकर ओपन स्टैक वैटसन आई ओ टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट ये इसके कुछ वर्जनज हैं और प्लेटफार्म कनेक्ट्स सेंसर टू द क्लाउड एप्लीकेशन यूजिंग द आई बी एम ब्लू मिक्स ये आई बी एम ब्लू मिक्स का यूज़ करता है और पी टी सी थिंग वर्क थिंग वर्कस के अंदर क्या है थ्री पिलर्स हैं उसके अंदर कोर एप्लीकेशन एनेबल्ड and connection service with the device and the cloud adapters and the edge connectivity using the edge micro server and the edge always on devices hai? 27 percent market share is trends in spending for the iot solution trend kya hai? worldwide iot market will grow from uh, dollar 655.8 billion 2000 14 में इतना था और 1.7 ट्रिलियन 2020 के अंदर इतना एक्सपेक्टेड था विद द एनुअल ग्रोथ हो 16.9 और आईओटी एनालिटिक्स मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट द एच जी आर ऑफ़ द ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर एट फ्राम फिफ्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रीच सिक्सटीन पॉइंट थ्री फाइव बिलियन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी और इसी तरीके से टोटल सर्विस स्पेंडिंग दी हुई है यहाँ will reach 482 billion in uh, 2020, ऑफ ट्वेंटी वन परसेंट सी एच जी आर फ्राम टू थाउजेंड थर्टीन अब जो सी एच आर है वो फाइनेंशियल uh, टर्म है शायद आप लोगों को समझना आए है ये है कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ठीक है ग्रोथ रेट एनुअल ग्रोथ रेट बताते हैं इसमें और आई ओ टी मार्केट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विल ग्रो मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन की बात करें तो 42.2 टू पॉइंट टू बिलियन थर्टीन में था और एटीन में नाइन्टी एट पॉइंट एट बिलियन तो ग्लोबल स्पेंडिंग जो है वो आई ओ टी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्रो फोर्टीन पॉइंट थ्री बिलियन से लेके 15 फिफ्टीन में और थर्टी फाइव बिलियन टू थाउजेंड ट्वेंटी में इस तरीके का है

और लर्निंग फ्रॉम द सक्सेज और द फेलियर्स ऑफ़ द अर्ली मूवर्स जो स्टार्टिंग में जिन्होंने स्टेप इन किया था आईओटी ओ टेक्नोलॉजी के लिए उनकी क्या सक्सेस रही सक्सेस के रीजंस क्या रहे फेलियर क्या, क्या रहे फेलियर के रीजन क्या रहे उनके बारे में आ, उन्होंने लर्न किया वहाँ से ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग द स्टाफ टू वर्क विद द आईओटी आईओटी के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देना कंडक्टिंग और स्पॉन्सरिंग रिसर्च टू एस्टेब्लिश द मार्केट आईओटी uh, के लिए uh, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कुछ एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं उनकी और उसके बेस पर वो क्या करते हैं कि जो इस टाइप की रिसर्च हैं उनको वो स्पॉन्सर करते हैं ऐसे आप uh, कुछ uh, इस टाइप के एग्जांपल आप आई के अंदर जाके देख सकते हो वहाँ क्या है कि कुछ अच्छी बड़ी कंपनी कंपनीज़ ने अपने वहाँ uh, सेंटर एस्टेब्लिश कर रखे हैं दोज़ आर ओनली फॉर द रिसर्च जैसे टी ने अपना सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे आई आई के अंदर ठीक है इस टाइप में डिफरेंट जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं रिसर्च के लिए दोज आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स ऑफ आई आई टीज कि वो वहाँ वर्क कर सकें इंट्रोड्यूसिंग न्यू बिजनेस मॉडल्स रेजिंग फ्रेश कैपिटल टू एक्सप्लोर द आई आई टी ऑप्शन मीन सेपरेट फंड निकालना कि उसके अंदर काम हो सके आईओटी के ऊपर काम हो सके हायरिंग टैलेंट विद द आईओटी कैपेबिलिटीज मींस न्यू पर्सन जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए अच्छे टैलेंटेड पर्सनस को आईओटी के अंदर ट्रेन करना एस्टेबलिशिंग जॉइंट वेंचर और अलायसेज टू एक्सप्लोर द आईओटी अपॉर्चुनिटीज एस्टेब्लिशिंग एन आईओटी सेंटर फॉर द एक्सलेंस एंड एक्वायरिंग द बिजनेस और असेट विद द आईओटी कैपेबिलिटीज ये सब मेजर्स आज के टाइम में कंपनीज़ ले रही हैं बिकॉज़ द टेक्नोलॉजी इज सो फ्रेंडली सो मच इफेक्टिव कि आज नहीं तो कल सबको ये इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना ही पड़ेगा तो आई ओ टी को अडोप्ट करना ही पड़ेगा थ्री जी पी पी आई ओ टी की क्या है रिलीज थर्टीन के अंदर ई एम टी सी ई एम टी सी की हम बात कर चुके हैं पहले और ये टर्म किसके लिए यूज़ हो रही है ये टर्म हमने जैसे एम टू एम की बात कर की थी तो उसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ हुई है नैरो बैंड आई ओ टी ठीक है और उसके बाद है एक्सटेंडेड कवरेज जी एस एम ये यहाँ इसके थ्री पिलर्स हैं थ्री जी पी पी के स्केलिंग टू कनेक्ट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब स्केलिंग कैसे है स्केलिंग अप इन द परफॉर्मेंस इन द मोबिलिटी स्केलिंग डाउन इन द कम्प्लेक्सिटी एंड पावर स्केलिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को चेंज करना अब जब हम ग्रो कर रहे हैं जब आई ओ टी के अंदर तो हमारे रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि कम्प्लेक्सिटी और पावर कंजम्पन को डिक्रीज़ करते जाएँ और जो परफॉर्मेंस और मोबिलिटी है उसको हम इंक्रीज़ करते जाएँ मोबिलिटी तो हमेशा रिक्वायर्ड ही है क्योंकि मोबिलिटी के अंदर जब हम बात करेंगे तो जितना मोबिल mobil, मोबिलाइजेशन uh, होगा जितनी मोबिलिटी होगी उतना ही हमारा सिस्टम रेस्ट्रिक्ट uh, नहीं होगा आप कह सकते हैं एक जगह रिजिड uh, नहीं होगा आप उसको कहीं भी इधर उधर कहीं मूव कर सकते हैं तो मोबिलिटी यदि मोबाइल आपका सिस्टम है तो मोबाइल uh, को सपोर्ट करता है आपका आई सिस्टम तो दैट विल बी बेस्ट Uh, इसमें कनेक्टेड हेल्थ केयर मोबाइल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वीडियो सिक्योरिटी एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, उसके बाद वेरेबल स्मार्ट बिल्डिंग्स uh, build, तो इसके डिफरेंट रेंज ऑफ इसके एप्लीकेशन हैं आई ओ टी ट्रेंड्स टू वॉच इन द फ्यूचर आई ओ टी ट्रेंड फ्यूचर के अंदर क्या रहने वाले हैं आई ओ टी सर्विसज जो हैं मेजर ड्राइवर बिजनेस के अंदर बिजनेस uh, कंसल्टेशन के अंदर इसका काफ़ी स्कोप uh, है मींस आप आईओटी कंसल्टेंट बन सकते हैं आप आईओटी सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं आईओटी ड्राइव्स डिमांड फॉर द डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिसिस के का मेजर रोल है आईओटी के अंदर तो डेटा एनालिसिस का बहुत स्कोप है आगे आने वाले टाइम में डेटा मस्ट बी मैनेज इंटीग्रेटेड एंड अनालज्ड आ, हाँ ये चीज़ तो आपने अभी सुनी भी होगी डीप डीप डेटा एनालिसिस इस टाइप में आप नई नई टर्म्स सुन रहे होगे तो डेटा माइनिंग का जो कंसेप्ट है वो भी यही है ठीक है डेटा माइनिंग का बिग डाटा का कंसेप्ट है वो भी यही है इससे रिलेटेड ही है तो ये इस टाइप की जॉब्स आगे फ्यूचर में अवेलेबल हैं आई ओ टी ड्राइवस डिमांड फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का स्कोप है आई ओ टी डाटा डेटा ब्रोकर डेटा ब्रोकर मीन्स जहाँ डेटा को स्टोर रख सकें जो लोग जो जिनका काम ही है कि डेटा को स्टोर रखना और थर्ड पार्टी यू कैन से और उसके बाद उसको एनालाइज करके आप सेल कर सकते हैं कंपनी उसको सेल कर सकती है जिसको भी रिक्वायर्ड है वो क्योंकि आईओटी जब वर्क करता है तो बहुत सारा डाटा वहाँ इकट्ठा होता है वो डाटा कोई एक थर्ड पार्टी उसको खरीद सकती है और उसके बाद वो आ, किसी और को सेल कर सकती हैं इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम्स मीन्स ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक टाइप का सिस्टम जब दूसरे टाइप के सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता तो वहाँ ये ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम्स का अपोजिट जब मैं बात करूँ तो उसका मतलब कम्पैटिबिलिटी बनाने के लिए Uh, जो मेंटेनेंस इंजीनियर है सर्विस इंजीनियर है उसके उसके लिए भी काफ़ी स्कोप है और सिक्योरिटी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज जब आप, आप आपके होम uh, के अंदर हर डिवाइस के ऊपर जब आप आईओटी कंट्रोल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर नेट इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो हैकिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और यदि आपके घर पे आपने लॉक लगाया है और वो लोक ही हैक हो जाए आ, लोक यदि आईओटी बेस्ड है इंटरनेट बेस्ड है पासवर्ड लोक है और वो लोक ही हैक हो जाए तो आपके घर की सिक्योरिटी कहाँ रही है आप ये देखिए तो सिक्योरिटी इज ए बिग इशू मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या हैं आईओटी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर इसमें मेजर ऑब्स्टेकल है हाई कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द आई ओ टी इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई कॉस्ट रिक्वायर्ड है कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात हम कर चुके हैं लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट नॉलेज कमिटमेंट इसके अंदर क्या है कि मैन अभी न्यू ट्रेंड न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसके अंदर अभी सीनियर मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज है उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो गाइडेंस का आप ये कह सकते हो गाइडेंस लैक ऑफ गाइडेंस होगा हमें यदि इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो वीकनेस इन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है तो वो भी एक वीकनेस हो सकती है रेगुलेशन अब इसमें डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड मीन्स यहाँ हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड बात करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी रूल्स वगैरह बनने चाहिए वीकनेस इन पब्लिक कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद है इम मेचोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अराउंड द आई ओ टी जनरल इकोनॉमिक अनसर्टेंटी और उसके बाद है अनडेवलप्ड कंज्यूमर अवेयरनेस अबसेंस ऑफ द बिजनेस केस बिजनेस मॉडल ठीक है कोई इस टाइप का बिजनेस के बिजनेस मॉडल अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत कम फील्ड हैं बहुत कम इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर अभी आईओटी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है तो देर आर मेनी मेनी फील्ड्स वेयर द आईओटी इज़ नॉट इंप्लीमेंटेड टिल नाउ सो वेन एवर इंडस्ट्रियलिस्ट और वन टू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट आई ओ टी आई को इम्प्लीमेंट करने की जब uh, सोचेगा वो तो मे बी इट इज इट इज पॉसिबल कि वो फर्स्ट ही है अपने एरिया के अंदर अपने रीजन के अंदर तो ही मे नोट एनी एक्सपीरियंस दैट दैट ही मे यूज टू लर्न समथिंग वहाँ कुछ सीखने के लिए उसको हो सकता है अवेलेबल ना ही हो वो फर्स्ट ही हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इस टाइप में कोई बिजनेस मॉडल अवेलेबल नहीं है जनरल चैलेंज इन एम टू एम एम टू एम के लिए जनरल चैलेंजेस क्या है डिजाइन फॉर द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइस रिडक्शन ऑफ द कंट्रोल कंट्रोल सिग्नल और उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन फॉर द लो डाटा ट्रांसमिशन कॉस्ट रिडक्शन कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिज्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंसिंग सिक्योरिटी और उसके बाद ट्रैफिक मॉडल एक्सेट्रा आर द जनरल चैलेंज इन एम टी एम और रिसर्च चैलेंज क्या है हम वन बाई वन बात कर रहे हैं रिसर्च चैलेंज क्या है स्केलेबिलिटी मैसिव नंबर ऑफ डिवाइस को हमने कनेक्ट करना है क्योंकि डे बाई डे जब हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे मोर एंड मोर डिवाइसेज को तो डे तो बाई डे इंक्रीज़ ही हो रहा है नंबर ऑफ डिवाइस इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस को कैसे हैंडल किया जाए वो एक इशू uh, है हैंडलिंग डाटा जेनेटेड बाय द फिफ्टी बिलियन डिवाइसेस फिफ्टी बिलियन डिवाइसेस से जो डाटा हैंडल डाटा जनरेट होगा उसको कैसे हैंडल किया जाए कैसे उसको अनालिसिस uh, किया जाए कैसे उसकी फ़िल्ट्रेशन की जाए और कैसे उसको फाइनल कंक्लूजन निकाले जाए वो भी एक uh, बड़ी प्रॉब्लम है रिलायबल कवरेज प्रॉपरली कवरेज हो मूव uh, क्लाउड सिक्यो सर्विसज टू द एज ऑफ द नेटवर्क फोक कम्प्यूटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर और रिड्यूस डाटा टू बी स्टोर्ड स्टोरेज डाटा स्टोरेज को मिनिमम यदि बनाना है तो कुछ वर्क आपका मीन्स यू हैव टू मेक देंसर स्मार्ट सो देट जो डाटा स्टोर करने लायक हो वो बहुत कम जनरेट हो फिल्टर फिल्ट्रेशन यदि डेटा की फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो वो आ, सेंसर बेस पर ही हो जाए ठीक है पावर कंजम्पशन प्रॉब्लम पावर कंजम्पशन की बहुत बड़ी इश्यू है ये हम डिस्कस कर चुके हैं एस डी एन एन एफ बेस्ड आई ओ टी चैलेंजेस स्टेंडर के अंदर चैलेंजेस हैं, स्टेंडर फॉर द इंटरऑपरेबिलिटी और उसके बाद हेट्रोजेनिटी ऑफ द सेंसर्स इंटरफेसिस टू द क्लाउड सर्वर्स ये सब स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड है इन सब की यदि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी तो आपके जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे कम्पेटेबल नहीं होंगे ठीक है मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था जैसे स्टेपलर है स्टेपलर की पिन आती हैं या चलो स्टेपलर की पिन तो वेरियस साइज़ की आती है। मैं पंचिंग मशीन देखता हूँ पंचिंग मशीन के अंदर क्या होगा जो हो दो होल होते हैं जिसे हम पेपर पंच करते हैं और वो फाइल में लगाने के लिए तो जो दो होल करते हैं वो सेम डिस्टेंस पर होंगे चाहे आप कोई भी पंचिंग मशीन ले लो ठीक है पंचिंग मशीन जब होल होंगे सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे उसके बाद जो फाइल आएगी उसके अंदर भी जो फाइल के टैग होंगे होल्स होंगे वो सेम जगह पर होंगे तो ये क्यों हो सका क्यों पॉसिबल है आप किसी कंपनी की पंचिंग मशीन ले लो होल का जो डिस्टेंस वो सेम मिलेगा क्यों बिकॉज देर आर सम स्टैंडर्ड्स जो फिक्स किए गए हैं तो जब तक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होंगे आपकी कोई भी कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल नहीं होगी बिकॉज uh, जब तक कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो इसका मतलब आपके प्रोप्राइटरी के अंदर चल रहे हैं कोई प्रोप्राइटरी आइटम्स हैं जिसके अंदर वो चल रहे हैं uh, और वो उसकी मोनोपोली है उसके बाद जब कोई दूसरी कंपनी यूज़ करेगी तो वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगी और उसके बाद क्या है कि जब भी आपको कुछ चेंज करना होगा तो आप उसी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा दूसरी कंपनी से जब आप कुछ लेते हो तो देट विल नॉट बी कम्पैटिबल विथ दिस तो इसलिए क्या है कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए क्या है स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड होने चाहिए और वो स्टैंडर्ड कौन बनाएगा इंटरनेशनल कोई ग्रुप होना चाहिए जो इस टाइप के स्टैंडर्ड डेवलप करता है जैसे आप कई प्रोटोकॉल्स के आगे पढ़ते हो आई ट्रिपल ई एट वन वन पॉइंट फाइव क्या है वो आई ट्रिपल आई ट्रिपल इज ए ग्रुप ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स उसके बाद है टेक्नो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चैलेंज है उसके अंदर है स्केलेबिलिटी टेक्नोलॉजिकल स्टैंडाइजेशन इंटरऑपरेबिलिटी उसके बाद डिस्कवरी सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सीबिलिटी डेटा वॉल्यूम एंड इंटरप्रटेशन और उसके बाद है पावर सप्लाई इंट्रेक्शन एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन, फॉल्ट टॉलरेंस ये सब टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो चैलेंज हैं आईओटी फील्ड के अंदर तो फ्यूचर ऑफ आईओटी, व्हाट हैपेंस व्हेन 50 बिलियन मशीन्स बिकम कनेक्टेड 50 बिलियन् मशीन जब से कनेक्ट जा हो जाएंगी तब क्या होगा ठीक है द स्काईज नॉट द लिमिट इट्स ओनली द बिगिनिंग विद द आईओटी ये आईओटी की स्टार्टिंग है सिर्फ फिफ्टी बिलियन मशीन्स हो जाएंगी एक टाइम ऐसा आएगा फिफ्टी फिफ्टी बिलियन कितना होता है मिलियन मिलियन बिलियन तो फिफ्टी बिलियन फिफ्टी टू पावर नाइन क्रिटिसिजम एंड द कंट्रोवर्सीज ऑफ आई ओ टी आई ओ टी का ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको uh, एडवांटेज भी एडवांटेज है लिमिटेशन भी हैं इसकी और लिमिटेशन के अंदर कुछ की हम बात कर चुके हैं वो लिमिटेशन क्या है प्राइवेसी है सिक्योरिटी है ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल सोशल कंट्रोल उसके बाद मैनिपुलेशन उसके बाद डिजाइन एनवायरमेंट इंपैक्ट और इन्फ्लुंसिस ह्यूमन मॉरल डिसीजन मेकिंग अब जब डिसीजन सारा मशीन्स करने लगी तो ह्यूमन डिसीजन कहाँ से आएंगे और उसके बाद समटाइम्स uh, कहीं ये भी होता है कि कुछ डिसीज़न रूल्स के ऊपर ना होके उसके अंदर कुछ इमोशंस भी ऐड होते हैं तो उस टाइप के डिसीज़न नहीं होंगे जो मशीन ने डिसीजन किया वही फ़ाइनल होगा जैसे समटाइम्स uh, आप स्टूडेंट ही समटाइम्स जा आ जाते हो कि सर अटेंडेंस कुछ शॉर्ट हैं uh, कुछ कीजिए uh, क्या क्या कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज लेके आपकी अटेंडेंस हम मेकअप कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज आपके लिए रख देते हैं और जब मशीन ने डिसीजन करना होगा तो क्या है अटेंडेंस शॉर्ट है तो यू विल बी डिबार्ड ठीक है तो इस टाइप के जहाँ डिसीजन है कि जहाँ इमोशंस नहीं है ओनली रूल्स आर फॉलोड उसके बाद है कम्पिटेंस सेंटर एन जी एन आई ये एक इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ आपको आई सिस्टम दिखाया गया है आ, स्मार्ट सिटी के अंदर Uh, क्या क्या हो उसमें स्मार्ट होगा स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल दिया गया है एजुकेशन कल्चर अर्बन प्रोडक्शन उसके सिग्नल ट्रांसमिशन नेटवर्क सिक्योरिटी मोबिलिटी एनर्जी ये सब चीज़ इसमें यहाँ दिखाए गए हैं आगे हम बात करेंगे इसकी चैलें इंडिया के अंदर चैलेंजेस क्या है पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है 1.25 uh, लिखा हुआ पॉइंट के अराउंड uh, है 32 परसेंट लिविंग इन अर्बन एरिया 68 परसेंट वो कहाँ रह रहे हैं रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं ठीक है और उसके बाद क्या है कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़ रीजन रूरल से अर्बन में माइग्रेशन हो रहा है और रीजन क्या है इन सर्च ऑफ जॉब बेटर एजुकेशन हेल्थ एट्सेट्रा अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी पीपल माइग्रेट पर मिनट टू मेजर इंडिया सिटीज़ इतना इतना माइग्रेशन हो रहा है

टेन से फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है ये हाईवेज़ की और यू एस डॉलर टेन बिलियन वर्थ फ्यूल इज लॉस ड्यू टू द कंजेशन एवरी ईयर इतने इतना हमें लॉस हो रहा है फ्यूल का लॉस हो रहा है टेन बिलियन डॉलर इसको एटी से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एट हंड्रेड बिलियन रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है पॉइंट एट ट्रिलियन का आप कह सकते हो इतना लॉस हमें हो रहा है to power waste disposal, uh, disposal safety and surveillance or drinking water shortage and non revenue uh, water in india 60 uh, that is above 65% uh, or uh, singapore less than 5% or usa 10 to 15% healthcare as per the estimation shortage of uh, 600000 डॉक्टर्स एंड वन मिलियन नर्सिस हेल्थ केयर के अंदर हमारा ये है ये इतनी शॉर्टेज है गुड हॉस्पिटल आर लिमिटेड टू द मेट्रोज एंड बिग सिटीज ऑनली आपको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए तो जैसे मैं अपने हिसार में बात करता हूँ तो अराउंड यहाँ 200 किलोमीटर से भी पेशेंट यहाँ आते हैं ठीक है तो इट मीन्स देर इज़ शॉर्टेज ऑफ गुड हॉस्पिटल्स बेड अवेलेबिलिटी क्या है इन इंडिया 1.3 बेड पर थाउजेंड पॉपुलेशन के ऊपर बेड uh, और डब्ल्यू एच ओ के स्टैंडर्ड कहते हैं बेड्स होने चाहिए 1000 population के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं इंडिया में डॉक्टर भी नहीं है पॉपुलेशन के लिए चाइना के अंदर के अंदर और थ्री पॉइंट थ्री ये कुछ इशूज हैं ठीक है और uh, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है वैसे हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड वो ऐसा हो गया है कि वी हैव अडोप्टेड द बैड हैबिट्स ठीक है बैड हैबिट्स हमने जो हमारी फूडिंग हैबिट है हमारी लिविंग हैबिट है ठीक है वो हमने बैड uh, अडोप्ट कर ली इसलिए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है यदि हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ठीक है और उसके बाद नॉन कम्युके कम्युनिकेबल डिजीजेस एन सी जिसको बोलते हैं सच एज़ हाइपरटेंशन डायबिटीज एंड कार्डियो डिजीज मीन्स ये नॉन कम्युनिकेबल है अफेक्ट मोर देन हंड्रेड मिलियन पीपल इन इन इंडिया डेली ये कार्डियोवेस्कुलर मीन्स जो हर्ट से रिलेटेड डिजीज हैं मोस्ट ऑफ दिस डिजीज कैन नॉट बी एड्रेस बाई एनी क्विक मेजर्स बट रिक्वायर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड द लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट लाइफ स्टाइल की बात कर रहा था मैं अभी द एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजिज द नीड फॉर द क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट एंड द मीन्स कोस्ट प्रेशर विल ग्रो इन देल्थ केयर इन दर जैसे जैसे एजिंग हो रही है हमारी पॉपुलेशन की अभी तो हम कह रहे हैं कि यंग इंडिया लेकिन जैसे जैसे एजिंग होगी इस यंग इंडिया की तो आपके जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी और उसके साथ साथ कोस्ट प्रेशर भी इंक्रीज होगा कि हेल्थ केयर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी हाउ टू एड्रेस दीज चैलेंजेस एफिशेंटली कैसे इसको हम चैलेंज को एड्रेस करें नीड टू क्रिएट द स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द कम्पलेक्सिटी कम्प्लेक्स कंप्लेक्सिटीज ऑफ द पब्लिक सर्विसेज रिड्यूस एक्सपेंसिस इंक्रीज एफिशंसी एंड द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमारे पास हॉस्पिटल कम हैं कम है लेकिन हमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो जो हॉस्पिटल हमारे जितने भी हैं जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास हैं वो ऑनलाइन ही गाइड कर सकें स्मॉल सिटीज़ में जो डॉक्टर्स हैं उनको ऑनलाइन ही गाइड कर सकें ऑनलाइन ही वो सर्जरी कर सकें ठीक है ये भी पॉसिबल है यूज़ एम टू एम आई ओ टी एंड आई सी टी टू मेक ऑल वर्टिकल्स स्मार्ट वर्टिकल मैंने बताया था स्मॉल जोन के लिए बोलते हैं तो जब मैं आईओटी की बात करूंगा तो उसमें सारा सब चीज को हम स्मार्ट बनाएंगे विल प्रोवाइड डेटा इन द रियल टाइम रियल टाइम डाटा की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ बिग डाटा एनालिटिक्स टू क्रिएट द इंटेलिजेंस और यूज इंटेलिजेंस फॉर द प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज बिग डाटा एनालिसिस है जब आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर लर्निंग भी एक कंसेप्ट रहता है कि जो अब एक्शन लिया उससे उसके क्या आउटकम्स आए उन आउटकम से यदि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है उन आउटकम से क्या लर्निंग हुई क्या वो डाटा स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इस टाइप की कोई इवेंट होगी तो द प्रीवियस डाटा में बी चेकड फॉर दैट जैसे हम हम इंसान जो करता है हमेशा लर्निंग करता रहता है लर्निंग करता रहता है ठीक है यदि किसी जगह पर जा रहे किसी रोड से जा रहे और वहां आ रहा है तो हर बार ड्राइव करना सीखते हैं तो आपको हर हर एक गियर जब शिफ्ट करना होता है तो लिव, गियर लीवर की तरफ देखना पड़ता है लेकिन आफ्टर सम टाइम आपकी लर्निंग हो जाती है आप हेविचुअल हो जाते हैं यू नीड नोट टू सी टुवार द गियर लीवर और आप उसको उसके बिना ही उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो तब भी यही प्रोसेस है तो इस टाइप में ये लर्निंग प्रोसेस है यूज इंटेलिजेंस फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ प्लानिंग के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं गोल क्या है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ़ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे तो हम दौड़ ही रहे हैं ठीक है आई डोंट नो कि हम क्वालिटी को क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं उसको डाउन डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं

और मोर आई ओ टी डिवाइस ऑन द नेटवर्क ये सब चीज़ इसके अंदर आने वाले टाइम में इशूज़ हैं जिसको हमें एड्रेस करना है एनी कंप्रोमाइज डिवाइस कैन टेक ए फुट होल्ड ऑन द नेटवर्क कोई भी ऐसी डिवाइस जो जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है वो आप पूरे नेटवर्क के लिए इशू बन सकता है वट एडिशनल रिस्क डज आई ओ टी और क्या एडिशनल रिस्क हो सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्क पेरीमीटर ऑब्जेक्ट्स नॉट डिजाइन टू बी इंटरनेट कनेक्टेड उसका पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा जो कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके लिए डिजाइन नहीं है उसको हम उससे एड ना करें वही बात है जो मैंने यहाँ कंप्रोमाइज डिवाइस की बात की है डिवाइसिस कैप्चर ड्यूरिंग द स्कैंस एंड ऐसे डिवाइस जो जिनकी सिक्योरिटी वीक है उनको उनके लिए वेबलिटी स्कैन होना चाहिए और कंज्यूमर डिवाइस इंटरफेयरिंग विद द क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइस एंड सर्विसेज कंज्यूमर की जो डिवाइस हैं जो नेटवर्क के लिए नेटवर्क uh, के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए लैक ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अभी कम है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा डाटा ब्रिचज एंड द इनएडवर्टेंट ब्रिचज कुछ ऐसी हैं जो ब्रिचज होती हैं जो नासमझी में हो जाती हैं इनडोडेंट और दूसरा क्या है जानबूझ के ब्रीचिंग होती है आजकल आपका पता लग ही रहा होगा आपको जो आपके अकाउंट हैकिंग हो रही है वो एक सोची समझी साजिश होती है मीन्स वो डेटा ब्रीच करते हैं एनी इजी अटैक वेक्टर कोई भी अटैक हो सकता है आपके आई डिवाइसेस के ऊपर